खुर्जा में रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले दुकानदारों पर गाज गिर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर आप सड़क या रोड के किनारे रेहड़ी पटरी पर सामान बेचते हैं तो अब खुर्जा नगर पालिका द्वारा आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है और इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। दरअसल दीपावली के उपलक्ष्य में बाजार में होने वाली भीड़ को देखते हुए शासन आदेश पर पालिका प्रशासन द्वारा खुर्जा के पुराना जीटी रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में दिवाली मेले का आयोजन किया गया है। शासन के आदेश हैं कि आने वाले 4 तारीख तक कोई भी रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाला दुकानदार शहर के अंदर सामान नहीं बेच सकता और यदि कोई भी रेहड़ी पटरी वाला रोड पर सामग्री बेचता पाया जाता है तो पालिका प्रशासन द्वारा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगरवासियों को जागरूक करने के लिए पालिका प्रशासन माइक के माध्यम से भी सूचित कर रहा है ताकि लोग जागरूक हो सकें और रेहड़ी पटरी पर सामग्री बेचने वाले पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में लगे दिवाली मेले में अपना सामान बेच सकें। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जो 1 जनवरी 2022 को 18 साल के पूर्ण हो गए हैं उनके मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए विशेष प्रचार प्रसार चल रहा है। ये लगातार चलता रहेगा, वार्ड वाइज जिसको हम दोनों बांट करके ये प्रचार प्रसार कराएंगे तथा लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक जा करके अपने नामों को जुड़वाएँ और जो उसमें नगरपालिका जो सहयोग है वो हम सहयोग देते रहेंगे और इसका व्यापक प्रचार प्रसार इसलिए कराया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को मदद मिल पाएगी इसमें सर? इसके माध्यम से जरूर मिलेगी क्योंकि लोग जब सुनेंगे तो अपने जो है मतदान स्थलों पर जाएंगे और वहाँ उनको पूरे सहयोग दिया जाएगा और उनके नाम को जोड़ा जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।